नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। इस समय हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंट के ठीक बाहर हैं, जहां पर आज ऑल पार्टी मीट होने जा रही है। पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इनके नेता हैं, यहां पर आज ऑल पार्टी मीट करेंगे और जम्मू कश्मीर के जो बर्निंग इश्यूज हैं उन पर बात की जाएगी। इस समय हमारे साथ रमन भल्ला जी, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या अंदर मीटिंग होने जा रही है और किन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। योजना जिसको ये कंपनी को हायर यहाँ पे करें, उस कंपनी को हायर करने का क्या जस्टिफिकेशन है, कौन सा दबाव उनको पड़ रहा है। आज छात्र लोग हैं, वो सड़कों पर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे है, महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं, लोगों को पास रास्ता कोई नहीं, इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते हैं, टैक्स वसूल करने के लिए सरकार के कदम सबसे आगे, उन्हीं मुद्दों के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अब बात होंगे, हम सब लोग विचारधारा लोगों की यहाँ पे प्रकट करेंगे और बात करेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई ठोस। जम्मू कश्मीर के लोग तंग हैं, रियासत का दर्जा फौरी तौर पर चाहते हैं, असेंबली का चुनाव यहाँ पे चाहते हैं, फौरी तौर पर असेंबली का चुनाव हो, लोग चुने हुए नुमाइंदे से बात करें। अब डबल इंजन का प्रशासन जिस ढंग से मस्कुलर पॉलिसी को यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों पे लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है, उसका विरोध किसी न किसी ढंग से निकल गए, वो तो अंदर जाके पता लगेगा। माइनस बीजेपी तो सारे सबको न्योता दिया, हमको भी न्योता दिया, हम बैठ के बात करेंगे। का सवाल है, इलेक्शन का सवाल है, जमहूरियत में डेमोक्रेसी में इलेक्शन चाहिए होती है और फिर इलेक्शन के बाद हमारी स्टेट वोट बढ़े, हमारी असेंबली ऐसी हो जो फैसले करे कि हमें क्या से चलाना है रियासत को। भी अपोजिशन की ये एक मीट होने जा रही है ऑल पार्टीज, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो जनहित के मुद्दे हैं उसी के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। जैसे आज सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रॉपर्टी टैक्स बन के आया है उसके ऊपर बात होगी। हमारी बातचीत जो पीला पंजा चल रहा है और वो जो पार्टी देख के चल रहा है उस पर बात, हम भी अपनी बात रखेंगे। और दूसरा ये जो अभी एसएसआरबी के ऊपर जो है, अगर सारे जम्मू कश्मीर के बच्चे कह रहे हैं कि एप्टेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, और वो बच्चे नहीं कह रहे, आपकी एजेंसीज कह रही है कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो उसके ऊपर क्या वजह है कि सिर्फ उसी से पेपर करवाया जाए। मैं इसमें कहूंगा इसमें कोई ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए सरकार को भी और उनके आला अफसरों को भी। मैं चाहूंगा कि इसमें एलजी साहब में इंटरवीन करें, और अगर कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिससे भरोसा जो कैंडिडेट्स हैं उनका उठ चुका है, दो बार उन्होंने ऐसा किया, एक बार 1.25 करोड़ का घपला आपको ऐसा ही स्कैम मिला, आपको दूसरी बार पेपर लीक हो गया, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को फिर आपको भी ब्लैक लिस्ट करके बाहर कर रास्ता दिखाना चाहिए। कोई किसी नई कंपनी को या किसी और न्यूट्रल एजेंसी को दें, हम वो भी नहीं कहते हैं कि आप किस एजेंसी को दें, लेकिन इस एजेंसी को बदल दें जिसमें लोगों का विश्वास उठ चुका है। ये जो मुद्दे आप देख रहे हैं, जिनको रोज आप कवर कर रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। यूटी यहाँ एक तरफ पाकिस्तान, एंटी नेशनलिज्म, एक तरफ टेररिज्म, वो हमारी जान खा रहा है, दूसरी तरफ हमारा यूथ बाहर आ गया है, तो इसके देख के ये सारी सिचुएशन सामने रख के इसमें सब पार्टी का रोल बनता है, मिलके क्या रोल प्ले कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत होगी। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो मीटिंग बुलाई है बड़ा अच्छा कदम उठाया है, और लोग बड़े परेशान हैं, लोग चाहते हैं उनकी कोई सुनवाई हो, उनकी कोई बात हो, यहाँ कोई सुनता नहीं, लोगों में और सरकार में बड़ी दूरी हुई है, और रोज एक नया फरमान सामने आ रहा है, कभी प्रॉपर्टी टैक्स का आ रहा है, कभी वो पीला पंजा जो मशहूर हो गया पीले पंजे का आ रहा है, तो कभी वो बच्चों की नौकरियों को बेचा जा रहा है, कभी सब इंस्पेक्टर की देखो या वो देखो, लोगों का विश्वास ही सिस्टम पर उठ गया। इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि लोगों का विश्वास कैसे बहाल किया जाए, और उसका जो हल है, मैं समझता हूँ सब मुसीबतों का हल जो है वो डेमोक्रेसी है, यहाँ की इलेक्शन है। अब देखते हैं ऑल पार्टी में क्या व्यू बनेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस में ऑल पार्टी मीट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स की बैठक चल रही है, अब इस मीटिंग में सामने क्या आता है ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।